लास्ट डिस्कशन थी हमारी डिजेनरेसी के ऊपर और हम स्पेशल केसेस कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के। आज हमारा दूसरा स्पेशल केस होगा, उसको हम कहेंगे अल्टरनेटिव ऑप्टिमा, अल्टरनेटिव जो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस जिसमें निकलते हैं। तो सिंपल सा मॉडल लिया है, टू कंस्ट्रेंट्स, टू वेरिएबल प्रॉब्लम। सिंपल इसलिए लिए है कि ताकि हमारा फोकस सिंप्लेक्स मेथड पे ना हो बल्कि स्पेशल केसेस पे हो, अल्टरनेटिव ऑप्टिमा पे। तो जैसे आपको बताया कि हम इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप होता है इस मॉडल को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना। स्टैंडर्ड फॉर्म प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये सीख चुके हैं, ये राइट हैंड साइड आप सारी इधर ले जाओगे, ये जी, ये सारी राइट हैंड साइड पे इक्वल टू जीरो आ जाएगी। लेस देन इक्वल टू टू कंस्ट्रेंट्स है, प्रॉब्लम भी बहुत सिंपल ही है लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स के साथ। तो दो लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स हैं, दोनों में स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस होंगे इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपने इसको टेबल के अंदर वैल्यूज को लेके जाना है सारे डेटा को। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फोर वेरिएबल है, दो आपके डिसीजन वेरिएबल्स और दो स्लैक, फोर कॉलम बनेंगे, दो डिसीजन वेरिएबल्स और दो स्लैक के लिए सॉल्यूशन कॉलम और ये बेसिक कॉलम। उसी तरह आप स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, नॉन बेसिक वेरिएबल्स एज्यूम करते थे डिसीजन वेरिएबल्स को, उनको जीरो पुट करके आपके पास बेसिक सॉल्यूशन मिलता था जिसको हम स्टार्टिंग बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ से आएगा S1 equal to 5, X1, X2 0 पुट करने के बाद, दूसरा S2 equal to 4, और इधर अब 0, 0 पुट करें X1, X2 को Z equal to 0। ये जो Z रो है यहाँ पे, ये इसके कोएफिशिएंट्स आएंगे -2, -4, 0, 0। कंस्ट्रेंट्स को कंस्ट्रेंट सेक्शन में फिल करें 1, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 1, तो ये आपका डेटा प्लेस हो गया। क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, स्टार्ट पे आप ऑप्टिमेलिटी टेस्ट लगाओगे और यहाँ नेगेटिव कोएफिशिएंट्स ये शो कर रहे हैं कि ये ऑप्टिमल नहीं है। एंट्रिंग वेरिएबल मोस्ट नेगेटिव यानी x2 आएगा, और रिलीविंग के लिए रेशियो कैलकुलेट करोगे 5/2, 4/1, और इसमें मिनिमम रेशियो आप चूज करोगे जो कि है 2.5। तो ये आपका लिविंग वेरिएबल होगा S1। तो नेक्स्ट इटरेशन में X2 S1 की जगह ले लेगा, तो X S1 की जगह पे X2, और क्योंकि ये न्यू पिवोटल रो है, पिवट एलिमेंट से ओल्ड पिवट रो को 2 से डिवाइड करके आपके पास न्यू पिवट रो आ जाए। इसी तरह Z रो आप रो ऑपरेशंस लगा के करेंगे, उसकी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम ये सीख चुके हैं। तो ये जीरो कैलकुलेट करेंगे यूजिंग रो ऑपरेशंस। S2 रो वो भी रो ऑपरेशंस के साथ आपकी कैलकुलेशन, जस्ट हम रिजल्ट्स लिख रहे हैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। तो अगेन आपने देखा आपको एक नई आइट्रेशन मिली है, तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगा के देखेंगे क्या ये ऑप्टिमल है या नहीं, क्या ये ऑप्टिमल है बताइएगा। ऑप्टिमलिटी अचीव हो चुकी है या नहीं? यस हो चुकी है। तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, लेकिन एक चीज आप डिफरेंट इसमें देख रहे हैं, कोई स्टूडेंट बताएगा वो क्या डिफरेंट हो सकती है? हम ऑब्जर्वेशन पे आते हैं, ऑप्टिमल तो हमारा हो चुका है, कोई डिफरेंट सी चीज नजर आई आपको? आपके ये जो बेसिक वेरिएबल्स हैं, ये बेसिक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट तो जीरो होने चाहिए। एक्स जेड रो में एक्स टू है, ये जीरो, बिल्कुल ठीक। S2 का कोएफिशिएंट भी जीरो होना चाहिए, जीरो है, बिल्कुल ठीक। जो आपके मिसिंग वेरिएबल्स हैं जिनको हम नॉन बेसिक कहते हैं, वो है X1 और S1।
इनके जो कोएफिशिएंट्स है वो नॉन जीरो होने चाहिए. कोएफिशिएंट ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स इन जेड रो शुड बी नॉन जीरो. लेकिन इधर क्या है, ये आपका नॉन बेसिक है, एक्स वन मिसिंग जीरो, एस वन मिसिंग टू. ये तो टू ठीक है क्योंकि नॉन जीरो होने चाहिए. ये एक डिफरेंस आपको नजर आया जी, पॉइंट क्लियर हुआ, जरा बताइएगा. रिस्पॉन्स दीजिएगा, पॉइंट क्लियर हुए? यस सर. माइक ऑन करके मुझे बताइएगा साथ साथ. तो सिर्फ इस डिफरेंस की वजह से मैं पता चला कि ये अल्टरनेटिव ऑप्टिमा एग्जिस्ट कर रहा है. सिर्फ एक ये पॉइंट है, एक्स वन जो कोएफिशिएंट है जीरो है, इट मींस अल्टरनेटिव ऑप्टिमा एग्जिस्ट करता है. अल्टरनेटिव ऑप्टिमा मीन अल्टरनेट जो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एक सेकंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी हो सकता है इसके अंदर. बल्कि मैंने आपको शायद पहले बताया हो, अगर एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन में ये चीज डिटेक्ट हो जो अभी हमने हाईलाइट की है, फिर से बता देता हूँ. इसमें मिसिंग वेरिएबल्स देखें कौन से हैं, वो नॉन बेसिक हैं, वो है एक्स वन और एस वन. उनके कोएफिशिएंट जीरो के अंदर जीरो होने चाहिए, सॉरी नॉन जीरो होने चाहिए. अगर एक भी जीरो है, इट मींस अल्टरनेटिव ऑप्टिमा एग्जिस्ट कर रहा है. तो अगर अल्टरनेटिव ऑप्टिमा एग्जिस्ट कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि इसका एक और अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, बल्कि इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है. तो ये पॉइंट क्लियर हो गया. अल्टरनेटिव ऑप्टिमा मींस इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस. ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस इनफाइनाइट है जी. बताइएगा इस पॉइंट की समझ आई? यस. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. अब जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमें पता चल गया, हमारे पास तो एक आ चुका है, और वो कौन सा है? ये वाला. इसमें एक्स वन जीरो है और एक्स टू 2.5 है. अगर हम स्लैक वेरिएबल्स को अभी रीड नहीं करते, अगर हम स्लैक वेरिएबल्स को साइड पर रख दें, अपने डिसीजन वेरिएबल्स को ही आंसर करना चाहें, तो हमारे पास अभी जो सॉल्यूशन ऑप्टिमल आया है, x2 2.5 और x1 मिसिंग होने की वजह से x1 इक्वल टू 0 है. तो हमारे पास जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया, x1 0, x2 2.5, और इसकी ऑप्टिमल वैल्यू क्या आई है? 10, z इक्वल टू 10. तो ये हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है, x1 0, x2 2.5 with objective value z equal to 10. लेकिन क्योंकि alternative optima detect हुआ है इस coefficient की वजह से, इसका मतलब है infinite solutions exist कर सकते हैं. हम algebraic method में next solution अगर इसको further calculate करना चाहें, एक और iteration, तो हमें दूसरा solution भी मिल सकता है. लेकिन अब हम entering variable किसको लेंगे, क्योंकि ऑप्टिमल हो चुका है, कोई नेगेटिव कोएफिशिएंट नहीं है, तो किसको एंटरिंग वेरिएबल लेके फर्दर एक आइटरेशन और कैलकुलेट की जा सकती है? कोई गेस कर सकते हैं जी? रेस्पॉन्स क्विक आना चाहिए. यस सर, नो सर, नो सर. किसको एंटर किया जा सकता है? एक सर, x1 को, लेकिन उसकी रीजन है, आप एंटर किस वेरिएबल को करते हैं जो नॉन बेसिक हो, क्यों बेसिक सेक्शन में नहीं है, उसी को ही एंटर करोगे ना, बेसिक बनाओगे. तो इसका मतलब है जो एंटरिंग वेरिएबल होगा वो नॉन बेसिक ही वेरिएबल में से एंटरिंग लेना है. तो आपका x2 बेसिक है, S2 भी बेसिक है, ये तो एंट्री हो ही नहीं सकते. नॉन बेसिक में X1 और S1 में से ही चूज करना है, और आपने देखा होगा उसी को चूज करना है जिसकी वजह से ये अल्टरनेटिव ऑप्टिमा डिटेक्ट हुआ है, मींस वो जिसकी वैल्यू जीरो है. तो ये माइंड में रख लें, जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाए और अल्टरनेटिव ऑप्टिमा एग्जिस्ट कर रहा हो, तो इट मींस आप फर्दर एक इटरेशन और इसको लेके जा सकते हैं. और एंटरिंग वेरिएबल क्योंकि नेगेटिव कोएफिशिएंट नहीं है, ऑप्टिमल आ चुका है, ऑप्टिमलिटी आ चुकी है, फिर भी आप वो जीरो जिसकी वजह से डिटेक्शन हुई है वो नॉन बेसिक है,
उसको एंटर करके बेसिक बनाया जा सकता है। तो आपका एंट्रिंग इस जीरो को लेंगे, क्यों? दो ही नॉन बेसिक थे, इसमें मिसिंग एक्स वन और एस वन। एक्स वन का कोएफिशिएंट जीरो है और एस वन का टू, और आपने किसको एंट्रिंग लेना है? जिसका कोएफिशिएंट जीरो है। सेम इसी तरह रेशियो कैलकुलेट करेंगे, 2.5 डिवाइड बाई 0.5, 1.5 डिवाइड बाई 0.5, तो मिनिमम रेशियो आपकी बनेगी ये, और ये आपका लिविंग वेरिएबल होगा एस टू। तो इसमें एस टू निकलेगा, एक्स वन एंटर होगा, तो एस टू की जगह पे एक्स वन। न्यू पिवटल रो, पिवट एलिमेंट 0.5, तो इस सारी रो को जो ओल्ड पिवट है इसको डिवाइड कर दें 0.5 से, ये आपकी पिवटल रो कैलकुलेट होगी। इसी तरह जेड और दूसरी रो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग रो ऑपरेशंस। तो आप देखिए, आपके पास अभी भी ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमेलिटी मेंटेन्ड है। आपने देखा आपकी जी वैल्यू इंप्रूव नहीं की और सॉल्यूशन वैल्यू चेंज हो गई है। पहले सॉल्यूशन था टू एक्स टू 2.5 और एक्स वन जीरो था, अब आपके पास एक्स वन 3 और एक्स टू 1 आ चुका है, दूसरा सॉल्यूशन आ चुका है। ये आपका सेकंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन ये था ऑप्टिमल, ये सेकंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या थर्ड भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल सकते हैं? गेस करें जरा। अभी आपके माइंड में हो सकता है कि अब नॉन बेसिक कौन से हैं, एस वन एस टू, और एस वन और एस टू में एक टू है और एक फिर जीरो है, तो ये जीरो एंट्रिंग बनाया जा सकता है। लेकिन आपके पास फिर वही पहले वाला ही सॉल्यूशन आएगा। तो अलजेब्रिक मेथड आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देने की बजाय सिर्फ टू सॉल्यूशंस देता है, एक जो फर्स्ट टाइम ऑप्टिमल आता है और एक उसमें जो नॉन बेसिक जीरो को एंट्रिंग करके एक आइटरेशन आप आगे लेके जाते हो, जो अभी सेकंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकला है सेकंड मिलेगा। अगर आप दोबारा से एंट्रिंग करते हो तो आपको थर्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बल्कि रिपीट करेगा वही पहले वाला आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन फिर कैलकुलेट कैसे करो? तो सिंप्लेक्स मेथड से इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं पता चल सकते। हाँ, ये जरूर पता चल गया सिंप्लेक्स मेथड से, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, अल्टरनेटिव ऑप्टिमल एग्जिस्ट कर रहा है। अल्टरनेटिव ऑप्टिमल जो स्पेशल केस था हमारा, कि अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस है, वो हमें डिटेक्ट हो गया, और हमने डिटेक्ट करने के बाद एक आइटरेशन और सॉल्व करके सेकंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी निकाल लिया। सेकंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन का ये मतलब नहीं है कि वो इंप्रूव करेगा, जेड वही रहेगा। क्यों? आपकी ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव वैल्यू है वो 10 थी, z इक्वल टू 10 आप देख सकते हो। अगर ये मैक्सिमाइजेशन है और हम एज्यूम कर लें ये प्रॉफिट से रिलेटेड है, तो इट मींस प्रॉफिट जो आपकी ऑप्टिमल लेवल पे 10 आ गई है। अल्टरनेट ऑप्टिमल का ये मतलब नहीं है इसको और इंप्रूव किया जा सकता, इसको इंप्रूव नहीं किया जा सकता। ऑप्टिमल मींस ऑप्टिमल। हाँ, एक और सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है जिसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू भी 10 हो, वो तो इंप्रूव नहीं होगी। एक सेकंड ऑप्टिमल, सेकंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन मींस जो वेरिएबल्स हैं आपके बेसिक, उनकी उनका सेट डिफरेंट हो सकता है। तो देखिए, यहां पे एक्स वन जीरो था और एक्स टू 2.5 था, ये पेयर था, और ऑब्जेक्टिव वैल्यू 10। सेकंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन में ऑब्जेक्टिव वैल्यू तो 10 होगी, लेकिन सॉल्यूशन का एक और पेयर मिल गया जिसमें एक्स वन 3 है और एक्स टू 1। एक सेकंड ऑप्टिमल आपको सॉल्यूशन मिला, ये आपका सेकंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एक्स वन 3 एक्स टू 1 विद ऑब्जेक्टिव वैल्यू 10। और प्रीवियस लेवल पे जो फर्स्ट टाइम ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला था उसमें एक्स वन 0 था और एक्स टू 2.5 विद ऑब्जेक्टिव वैल्यू 10। तो यहां तक बताइएगा पॉइंट क्लियर हुआ है या नहीं। जी, माइक ऑन करें। क्लियर है सर। अब हमारा इश्यू ये रह गया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इधर हमें सिर्फ दो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए हम जाने, मैंने प्रॉब्लम का वॉल्यूम स्मॉल लिया है, स्मॉल वॉल्यूम प्रॉब्लम, टू वेरिएबल्स इसलिए लिए थे कि ग्राफिकल मेथड से इसको ऑब्जर्व किया जाए।
अब टू वेरिएबल में हम, मैंने आपसे पहले भी कहा था, तो ग्राफिकल मेथड में हर चीज विजुअलाइज हो जाती है। यहाँ पे तो अल्टरनेटिव ऑप्टिमा आपको वो जो जेड रो के अंदर कोफिशिएंट था नॉन बेसिक का, उस जीरो ने बताया अल्टरनेट ऑप्टिमा एग्जिस्ट करता है, लेकिन सिर्फ दो सॉल्यूशंस दे रहा है, बाकी सॉल्यूशंस आपको नहीं मिल रहे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को अगर ऑब्जर्व करना है तो हमें ग्राफिकल मेथड पे जाना पड़ेगा। सेम यही प्रॉब्लम लेते हैं और ग्राफिकल वे में इसका आंसर करते हैं। ये मैंने इसका आंसर कर दिया कि इफ वी अगेन एंटर नॉन बेसिक S2 एंड परफॉर्म कंप्यूटेशन व्हाट विल हैपन, तो अगर दोबारा से भी हम S2 जो कि अब लीव एंट्रिंग हो सकता है करें, तो वही पहले वाली ही आइट्रेशन आ जाएगी, कोई थर्ड सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सिंप्लेक्स मेथड डिटरमिन्स ओनली टू ऑप्टिमल सॉल्यूशंस इंस्टेड ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ये भी डिस्कस हो चुका है, जरा थोड़ा सा डॉक्यूमेंट भी कर दिया। टू वेरिएबल प्रॉब्लम है तो ग्राफिकली हम इसको कंपेयर करते हैं आप अपने अलजेब्राइक के साथ, तो ग्राफिकल मेथड पे चलते हैं। ये मैंने मॉडल लिया और अब ग्राफिकल मेथड हमें सिर्फ इसके आंसर पे चलते हैं, वो ऑलरेडी आप जानते हो। ये इसका मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, आप देख सकते हो ये आइट्रेशन एक्स वन प्लस टू एक्स टू लेस देन इक्वल टू फाइव, इसको प्लॉट किया गया है। ये जरा कर्सर देखिएगा, ये आपकी ये लाइन ये प्लॉट कर दी, इसका इसकी सॉल्यूशन स्पेस डाउनवर्ड है, वो शेडेड कर दिया होगा। फिर आप सेकेंड आइट्रेशन को देख, सेकेंड कंस्ट्रेंट को देखते हो, एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू फोर, ये आपकी ये आइट्रेशन ये लाइन उसके लिए प्लॉट की, और लेस देन को कवर करने के लिए शेडेड एरिया डाउनवर्ड अगेन, और कॉमन रीजन कौन सा हुआ है, ये आपको कॉमन रीजन नजर आ रहा है। तो इसकी हम डिटेल में नहीं जाते, आप देख लें कि ये आपका मॉडल है और ये इसका ग्राफ, और ये जेड भी प्लॉट करती है। आपको ग्राफिकल मेथड में ये भी पता होगा कि जेड को कैसे प्लॉट करें। अब जब जेड प्लॉट करती है तो जरा देखें इसमें अल्टरनेटिव ऑप्टिमा कैसे दिखाया जा सकता है। ये लाइन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की है, गौर करें तो इस कंस्ट्रेंट के पैरेलल है, नजर आ रहा है, जरा बताइएगा। ये लाइन जो है ये कंस्ट्रेंट की, ये ऑब्जेक्टिव लाइन उसके पैरेलल डैश में जो है ये पैरेलल है, ये विजुलाइजेशन हो रही है, बताइएगा। यस सर। पैरेलल, अब आपने जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, इस लाइन को ड्रैग करोगे डाउनवर्ड, जब इस शेडेड रीजन के अंदर लेके आओगे, फिर उसको अपवर्ड ड्रैग करोगे, तो आपको एक कॉर्नर पॉइंट मिलता है, और वही कॉर्नर पॉइंट एक सिंगल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। जबकि इस केस में अगर मैं इस लाइन को ड्रैग करके यहां तक ले आऊं और ये पैरेलल है, जब मैं इसको ऊपर ड्रैग करूंगा तो लास्ट पॉइंट कौन सा टच करेगा इस लाइन, बताइए जी। सर रिपीट कीजिएगा। क्या दोबारा से, सॉरी रिपीट कीजिएगा सर। मैंने कहा ये मैं जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो लाइन ड्रॉ की हुई है, तो इसको मैं ड्रैग करते हुए पैरेलल ड्रैग करते हुए नीचे ले आता हूँ इस सेक्शन में, और क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपवर्ड इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने इस लाइन को ऊपर ड्रैग करते हुए जो इस रीजन से बाहर निकलने, इस रीजन से बाहर निकलने से पहले जो लास्ट पॉइंट टच करता था वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता था। ये बता दीजिएगा, ऐसी ऑप्टिमलिटी डिटेक्ट करते थे ना जेड रो से, तो मुझे इसमें बताएं, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये साफ नजर आ रहा है ये लाइन पैरेलल है, अगर मैं इसको ऊपर ड्रैग करते हुए जाऊंगा तो वो कौन सा शेडेड रीजन का पॉइंट है जो इसको लास्ट टाइम टच करेगा और वो ऑप्टिमल कहलाएगा, ये क्वेश्चन। सर बी टच करेगा इसको। कौन सा? सी जो है वो सर बी को टच करेगा। बी को, क्या सी भी नहीं होगा, पैरेलल है लाइन। सर सी बी को टच करेगा या बी सी को टच करेगा? आपकी जेड रो किसको टच करेगी जब ऊपर ड्रैग करते हुए लास्ट? सी। और बी ये लाइन के ऊपर आ जाएगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा।
ये लाइन उसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी लास्ट टाइम, आखिरी हद तक उस लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। अगर मैं ऑप्टिमेलिटी की होती है कि उससे जी को बाहर लेके जाओगे तो वायलेशन हो जाएगी, वापस आओगे और लास्ट कौन से, ये दोनों पॉइंट्स आपके आ रहे हैं जो दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। इस टाइम पे आप पहले ही होता था कि जी थोड़ा सा टिल्ट होता था, तो टिल्ट होने की वजह से वो शेडेड रीजन का सिर्फ एक कॉर्नर पॉइंट को टच करता था। इस वक्त वो इस जो रीजन है उस रीजन का ये जो पैच है बी और सी तक का लाइन का जो पैच है, जी को ड्रैग करते हुए जाओगे उस पैच को ओवरलैप कर जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ बताइए? यस सर। इसका मतलब हुआ कि आपको एक कॉर्नर पॉइंट नहीं मिल रहा, क्यों? यही ऑप्टिमल है वो जो लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, आप उससे ऊपर जाओगे तो वो शेडेड रीजन से निकल जाएगा, उससे नीचे आओगे तो शेडेड रीजन और भी ऊपर है, इसका मतलब इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। सिर्फ वो लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स ही हैं जो आपके ऑप्टिमल पॉइंट्स हैं। तो बताइएगा एक पॉइंट आपको मिल रहा है या इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको? इनफाइनाइट सर। इनफाइनाइट, क्योंकि एक लाइन के ऊपर जितने वो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे ऑप्टिमल हैं। पहले जी टिल्ट होती थी, थोड़ी सी टेढ़ी, स्लोप डिफरेंट होती, तो वो जाते हुए सिर्फ एक पॉइंट को ही टच करता था, वो हमारा ऑप्टिमल होता था। अब क्योंकि वो जी ओवरलैप कर रही है, पैरेलल है किसी एक कंस्ट्रेंट के इस रीजन में, और जी ऊपर ही अगर इंप्रूव कर रहा है तो ये जाते हुए बी सी पैच को टच करे। तो आई थिंक ये आपको पता चल गया होगा। तो ग्राफ से हमें पता चल गया ये पॉइंट बी और सी, इसके दरमियान जो इसको आपने ज्वाइन किया हुआ है, ये जो पैच है ये लाइन का, ये सी भी ऑप्टिमल है, बी भी ऑप्टिमल है, और ये जो सारे पॉइंट्स हैं जहां मैं कर्सर शो कर रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स लाइन के ऊपर, वो भी ऑप्टिमल है। ये वो इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं जो अलजेब्रिक वे में आप नहीं देख सकते। क्यों? अलजेब्रिक वे में जो उसने दो पॉइंट्स दिए हैं, ये वाला और ये वाला, दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, वो ये इस लाइन के एंड पॉइंट्स सी और बी। नोट किया ये पॉइंट? आप जरा गौर से देखिएगा, ये पॉइंट ऑब्जर्व हुआ बताइएगा। यस सर। तो आपका ये जो बी है एक्स वन जीरो और एक्स टू 2.5, ये देखिए ये है, ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला जो सॉल्यूशन है ये ग्राफ में उस लाइन का जिसके ऊपर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है उसका एक एंड पॉइंट बी। जब आप इस जीरो कोएफिशिएंट वाले नॉन बेसिक को एंटर करते हो और अगली इटरेशन में जाते हो तो आपको कौन सा सॉल्यूशन मिला? ये उस लाइन का दूसरा एंड पॉइंट, एंड पॉइंट। इसका मतलब है अलजेब्रिक वे में जब आपकी फर्स्ट ऑप्टिमेलिटी अचीव हुई आपको पॉइंट बी मिला, जब दूसरी अगेन सेकेंड ऑप्टिमल आपने देखा तो उसी इनफाइनाइट सॉल्यूशन में वो जो लाइन है उसका दूसरा एंड पॉइंट सी मिला। लेकिन ये बी और सी के दरमियान जो पॉइंट्स हैं उनको आप अलजेब्रिक वे में फाइंड आउट नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन ग्राफिकली आप ये देख सकते हो। तो इसका मतलब है ग्राफिकल मेथड में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को बताया जा सकता। आपसे क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट है इसकी सॉल्यूशन वैल्यू है एक्स वन थ्री एक्स टू वन, ऑब्जेक्टिव वैल्यू क्या होगी? ये जो सी पॉइंट ग्राफ से देखने लगे, जी क्या है? टेन। टेन जी मैंने आपको बताया था वो सेम होगी। इस बी पॉइंट पे अगर आप देखें आपका x1 जीरो है और x2 2.5 है, z क्या है? जी 10। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जितने भी पॉइंट्स इधर हैं इनके x1 और x2 की वैल्यू तो डिफरेंट होगी लेकिन z सेम ही होगी, क्यों? ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल। अब आप देखिए
ग्राफ के जरिए वो सारे सोल्यूशन देखे जा सकते हैं। जैसे मैंने सी को देखा तो मैंने इसका पेयर कैसे लिया वेरिएबल्स का, ग्राफ से इधर वर्टिकल लाइन देखा एक्स वन क्या है इसी पॉइंट का, एक्स टू कैलकुलेट कर लिया, वो पेयर मिल गया मुझे सी का और उस पर ऑब्जेक्टिव वैल्यू 10। इसका भी मैंने ग्राफ से कोऑर्डिनेट्स देखे, वो आपका पेयर होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन और ऑब्जेक्टिव वैल्यू 10 होगी, वो आप पेयर को जेड में पुट करके देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव वैल्यू इधर से पता चल जाए पता चल जाएगी वो है 10। अब मैं इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सबको ग्राफ के अंदर तो कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिएगा मैं ये पॉइंट लेता हूं, ये वाला लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है, लाइन वही लेनी है जिसके ऊपर जो शेडेड रीजन का पार्ट है और जिस पे जी ओवरलैप की है और वो बीसी लाइन है ये सेगमेंट। मैं ये पॉइंट लेता हूं, ये जो मेरा कर्सर जहां मैंने स्टॉप कर दिया, क्या इस पॉइंट पे ये जो मैंने कर्सर स्टॉप किया इसका पेयर ग्राफ से देख सकते हैं? सिर्फ इतना बता दें इसके कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं? आपका रिस्पॉन्स बहुत स्लो आ रहा है जी। देख सकते हैं हाँ। देख सकते हैं आप हर जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं सबके कोऑर्डिनेट्स ग्राफ आपके सामने, नीचे आपके पास डिस्टेंस भी पता चल रहा है। अगर ये पॉइंट लूंगा तो आप इसको यहां से x1 इसका नोट करें, जीरो से कितना x1 है, और इस पॉइंट का x2 भी देख सकते हैं कितना हाइट पे है। तो इसका मतलब है ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं ये आप ग्राफ के जरिए हर पॉइंट को आप उसका पेयर देख सकते हो। इट मींस अल्जेब्रिक वे में जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं मिल रहे थे, दो ही कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे थे, एक सी और एक बी, दूसरे इनसाइड जो पॉइंट्स हैं वो कोई भी अल्जेब्रिक मेथड से नहीं पता चल रहा, तो वो ग्राफिकल मेथड से एक एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। मैं अगर आपसे कहूं ग्राफ से 10 डिफरेंट सॉल्यूशंस नोट करें, आपकी ऑप्शन है जो मर्जी, आपने ऑप्टिमल होना चाहिए, तो क्या 10 ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं, नोट कर सकते हैं? जरा बताइएगा यस सर नो। यस सर। यस सर। और सबकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू जी ही होगी, बेशक आप उसको उस पेयर को इसके अंदर पुट करके आप चेक कर लें। तो इसका मतलब है आप 10 क्या आप 100 ऑप्टिमल सॉल्यूशंस भी बता सकते हैं, आप 1000 ऑप्टिमल सॉल्यूशंस भी बता सकते हैं, और इवन आप 1 बिलियन, ये इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन इधर है, आप 0.05 0.09 इस तरह के डिफरेंस से पॉइंट वेरी करते जाएं उस लाइन के ऊपर, आपको उसका पेयर मिलता जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा कि ग्राफिकल सॉल्यूशन में ये कैपेबिलिटी है कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर टू वेरिएबल प्रॉब्लम है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ग्राफिकल मेथड से बताए जा सकते हैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं ग्राफ का और क्वेश्चन देने के बाद मैं आपसे ये कहूं कि ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमा एग्जिस्ट करते हैं और मुझे कोई 5 ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आपने बताने, तो आप ग्राफ प्लॉट करके जी को जैसे ही देखोगे कि ये ओवरलैप कर रही है किसी लाइन के पोर्शन को, तो आपको पता चल गया कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से कोई भी 10 पॉइंट्स या 5-4 जितना भी आपसे पूछा जाए ग्राफ के जरिए आप उनके कोऑर्डिनेट्स देख के बता सकते हैं, ऑब्जेक्टिव वैल्यू वो आप सेट में पुट करके देख सकते हैं। उम्मीद है ग्राफिकल लेवल तक तो आपको पता चल गया होगा जी। बताइएगा यस और नो कर। यस सर, समझ आ गया जी। अब आते हैं आपका रियल लाइफ में वेरिएबल 2 नहीं होते, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, तो इट मींस आपने उसका तो ग्राफ बना ही नहीं सकते, तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे लेंगे? और इवन रिकमेंड किया जाता है कि आपका टू वेरिएबल प्रॉब्लम भी हो तो उसके लिए भी अलजेब्रिक पे ही यूज करें, यानी टेबल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड उसके ऊपर लगाए। तो आपका प्रॉब्लम 2 वेरिएबल हो या मोर देन 2 वेरिएबल, 100 वेरिएबल्स भी हैं, तो आपने अलजेब्रिक वे में ही सॉल्व करना है। और अलजेब्रिक वे में आपने अभी देखा लिमिटेशन आ गई है कि सिंप्लेक्स मेथड जब आपने लगाया अलजेब्रिक वे में सॉल्व करते हुए तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिलेंगे अगर अल्टरनेटिव ऑप्टिमा एग्जिस्ट करता है। और वो कौन से होंगे? वही जो ग्राफ के अंदर मैंने लाइन दिखाई थी वो उसके एंड पॉइंट्स होंगे, इनसाइड पॉइंट्स वो आप नहीं देख सकेंगे, सिंप्लेक्स मेथड ये नहीं कर सकता। इट मींस
हमें किसी और मेथड की तरफ जाना होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि सिंप्लेक्स मेथड फेल हो गया है। और मेथड की तरफ अगर जाएंगे तो यही दो पॉइंट्स जो एंड पॉइंट्स हैं, ये देखें, आपने पहला बी पॉइंट निकला, आपको तो ये नहीं पता ये बी है या सी, बहरहाल ये पता चला है कि एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट ए है, और इस दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे जो लाइन बनेगी, बाकी पॉइंट्स बाकी सॉल्यूशन उसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अलजेब्रिक वे में ये आप नहीं देख सकते, तो हम किसी और मेथड की तरफ जाएंगे कि इस लाइन को पिक करें, बल्कि एंड पॉइंट्स ले लें दो, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें और ज्वाइन करके देखते हैं कि दूसरे पॉइंट्स कैसे किसी और मेथड से कैसे मालूम होंगे। आपको अगर दो एंड पॉइंट्स दे दूं लाइन के, ये सारी इंफॉर्मेशन वही जो आपको बता दी गई। चलिए रिकॉर्डिंग में थोड़ी देर तक आ जाए, रीड कर सकते हैं आप। Using simplex method algebraically, we found two solutions. One is at point B, another is at point C. Simplex method determines only the two corner points B and C in this case. To determine all the points on the line segment BC, we use weighted average of the points B and C. एक calculus में आपने weighted average method देखा होगा। वो अप्लाई करते हुए आप दूसरे जो सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट जो सॉल्यूशंस है उनमें से कोई एक कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। अभी आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, आपके पास सिर्फ दो पॉइंट्स, हमें ग्राफ का तो पता ही नहीं, क्यों फर्ज करें मोर देन टू वेरिएबल है, ये तो मैंने टू वेरिएबल के साथ लिया। आपको सिर्फ सिंप्लेक्स मेथड ने दो कॉर्नर पॉइंट्स दिए और एक था 0.5 और दूसरा था 3.1। ये अगर आप ग्राफ के ऊपर यही दो पॉइंट प्लॉट कर दें और एक लाइन ड्रॉ कर दें, ये तो मिल सकता है ना, इजीली बन सकता है। अब आप, मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन करूं कि दो पॉइंट्स हैं, इनमें से इनके दरमियान कोई और पॉइंट, इन दो पॉइंट्स को यूज करते हुए कैलकुलेट किया जा सकता है, बताइए। यस सर। कौन सा पॉइंट ले सकते हैं? ए पॉइंट सर। कौन सा? A point. Mid point. आपके पास जो नॉलेज है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, वो एवरेज होता है इन दोनों पॉइंट्स, तो मिड पॉइंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये एवरेज मेथड इसको कहते हैं। तो आप एवरेज मेथड से मिड पॉइंट, जबकि हमें मिड पॉइंट सिर्फ एक नहीं चाहिए, इनफाइनाइट चाहिए। आप फर्दर जब मिड पॉइंट आ जाएगा, फर्दर इन दोनों का मिड पॉइंट अगेन आप देख सकते हो, और इसी तरह ये जो पोर्शन लेफ्ट साइड पे उसका मिड रेपिटेटिवली अप्लाई करने के बाद आप मिड लेते हुए वो जो अदर सॉल्यूशंस हैं वो फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं। लेकिन ये इतना एग्जॉस्टिव बन जाएगा तो आप इस एवरेज मेथड से निकल के वेटेड एवरेज पे जाएंगे, और वेटेड एवरेज एक ही अटेम्प्ट में आपको ये सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए एक रिलेशन दे देगी, एक इक्वेशन, एक पेयर देगी, जनरलाइज्ड पॉइंट्स में आपको आंसर मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप मिड पॉइंट से जरूर कर सकते हो, लेकिन फिर आपको सक्सेसिवली मिड का मिड करते हुए सक्सेसिवली आप उन पॉइंट्स को देख सकते हो, लेकिन वो सक्सेसिवली वो थोड़ा सा कंपटीशन कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी। हम वेटेड एवरेज मेथड को सीखते हैं। वेटेड एवरेज मेथड क्या है? ये दो कॉर्नर पॉइंट्स हैं बी और सी, आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, इसको फ्रैक्शंस में लोगे, यानी एक पॉइंट आप कोई भी इस लाइन के ऊपर मार्क कर देंगे। मैंने इधर मार्क किया भाई, ये आप इधर मार्क कर सकते हैं, इधर मार सकते हैं, कोई बात, इस लाइन को डिवाइड करना है फ्रैक्शंस में। इस लाइन को एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी लेंथ है वन, इस लाइन की लेंथ, ये जितनी भी बड़ी लाइन क्यों ना हो, बी और सी जो भी दो पॉइंट्स हमें मिले हैं अलजेब्रिक मेथड से, जो दो पॉइंट्स मिले हैं उसकी लाइन जितनी भी लेंथ ही क्यों ना हो, हमने इसको उसके ऊपर एक पॉइंट मार्क करके उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर और उसकी फ्रैक्शन बनानी है। फ्रैक्शन जब बनानी है तो लाइन को पहले वन एज्यूम करें, तो फिर जो पॉइंट होगा तो वो वन की एक फ्रैक्शन उस पॉइंट के
राइट साइड पे होगी और एक फ्रैक्शन रिमेनिंग लेफ्ट पे होगी। तो अब मैंने जनरलाइज फॉर्म में इसको लेके आना है, तो मैंने ये पॉइंट यहां सी से जितनी भी लेंथ, देखिए सी से यहां से यहां तक की लेंथ वन है, तो मैंने इतनी लेंथ कवर की यहां तक, अल्फा कह दिया उस लेंथ, यहां सी से यहां अल्फा जीरो है, अल्फा को एक्सटेंड किया यहां तक, अल्फा ले लिया, ये तो हो गया अल्फा। आप बता सकते हैं अल्फा वन से बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा। क्यों? वन है पूरी लेंथ लाइन की, तो आपने उसका पोर्शन लिया है, तो उसको मैंने अज्यूम किया इस फ्रैक्शन को अल्फा। इस पॉइंट से इस बी तक जो फ्रैक्शन है वो कितनी होगी? सर वन माइनस अल्फा। वन माइनस अल्फा, क्योंकि हम अल्फा की फॉर्म में बात कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं अगर ये मैं मिड लेता, अगर ये लेंथ वन बाई टू है तो इधर वाली वन माइनस वन बाई टू होती, अगर ये मैं अल्फा की लेंथ वन बाई थ्री लेता हूं तो ये वन माइनस वन बाई थ्री ये आपकी बन जाएगी। तो ये डिवीजन समझ में आ रही है? बताइएगा जी सर। जी यस सर आ रही है। अच्छा, अब आपने ये जो एजम्पशन ले ली है, आपने अल्फा को किसी भी जगह लेके उसको अल्फा कह दिया, लेंथ इधर से स्टार्ट करनी है, ये अल्फा और ये है वन माइनस अल्फा, एक आपके पास ये फ्रैक्शन ये। अब आप वेटेड एवरेज मेथड, ऑल पॉइंट्स इनसाइड बीसी, ये जो पॉइंट्स हैं इनसाइड बीसी इंक्लूडिंग बी एंड सी आल्सो, इसका फॉर्मूला आएगा बी, ये बी पॉइंट, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है कौन सी फ्रैक्शन जो अपोजिट है दूसरे पोर्शन में। देखें दो फ्रैक्शन है ना, एक बी के साथ है एक बी सी के साथ है, तो बी पॉइंट के साथ जो फ्रैक्शन लेनी है वो आपने सी के साथ वाली लेनी है, मीन बी पॉइंट है 0.25 और फ्रैक्शन है ये वाली अल्फा, और सी के साथ कौन सी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करनी है? अदरवाइज वन माइनस अल्फा। तो ये है वेटेड एवरेज हम देखने लगे बी के साथ अल्फा और सी के साथ वन माइनस अल्फा। अब आप पॉइंट्स आपको बताएं, ये बी है 0.25 और ये है 3.1, वो पॉइंट्स आप प्लेस कर दें। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, अल्फा आपका क्या है, अल्फा बता सकते हैं? अल्फा क्या है, कोई गेस कर सकते हैं? अल्फा, अल्फा आपको पता नहीं है क्या, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो 0 और 1 के दरमियान है, कोई भी 0.5, 0.9, 0.95, 0.32, यानी 0 और 1 के दरमियान जो फ्रैक्शंस हैं, अल्फा कोई भी एक हो सकता है और हम उसके दरमियानी पॉइंट सारे देखना चाह रहे हैं। इसका मतलब हम जनरलाइज फॉर्म में जब हमने अल्फा ले लिया तो अल्फा को कोई भी वैल्यू बाद में जब हमें ये जनरलाइज पॉइंट आ जाएगा तो फिर हम कोई भी वैल्यू पुट करके हम उस पॉइंट को देख सकते हैं जो इनसाइड है। देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, अल्फा इंटू 0, अल्फा इंटू 2.5 और 1 माइनस अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे इनसाइड, ये रिजल्ट आएगा 0 इंटू अल्फा, 2.5 इंटू अल्फा, इस 1 माइनस अल्फा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 1 माइनस अल्फा कॉमा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा। इसमें कॉमा इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा पोर्शन में, और सिंप्लीफाई कर ले, ये हो जाएगा 0, ये 0.25 अल्फा प्लस, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं 3 को इसके साथ एक्सपेंड करते हैं, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0.25 अल्फा, इसको क्या करेंगे, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस 3 अल्फा, तो माइन जेब में रखिएगा, ये जो सेपरेटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमा, कॉमा से पहले 3 माइनस 3 अल्फा इसको आपने एक्सपेंड किया, इसको एक्सपेंड 1 है, 1 माइनस अल्फा, तो ये आपके पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है। फर्दर क्योंकि सम करना है तो आपने फर्स्ट पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट के साथ ऐड करना, तो यहां पे क्या होगा, ये प्लस करने लगाऊंगा, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करना है, 0
ये प्लस 3 माइनस 3 अल्फा, तो 0 के साथ इस पॉइंट को ऐड करेंगे 0 प्लस 3 माइनस 3 अल्फा, सेपरेटर है कॉमा, कॉमा के बाद सेकंड 2 पॉइंट अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, तो इसको एक्सपेंड करते हैं, ऐड कर दिया 0 के साथ, मैंने इसको ऐड कर दिया, ये देखें 0 के साथ ये कॉमा सेपरेटर ये आ जाएगा, सेकंड को प्लस किया सेकंड के साथ 2.5 अल्फा को, और इसको सिंपलीफाई कर दें, ये 0 ऐड करेंगे तो ये यही रहेगा, इधर 2.5 अल्फा और माइनस अल्फा, माइनस अल्फा मीन माइनस 1 अल्फा, तो 2.5 माइनस अल्फा 1.5 अल्फा हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होने के बाद प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा। जी बताइएगा ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। अब आपके पास ये जो रिजल्ट आया है 3 माइनस 3 अल्फा कॉमा 1 पॉइंट अल्फा प्लस 1, ये आपके पास वो जनरलाइज्ड फॉर्म आ गई जो इसके इनसाइड सारे पॉइंट्स को इसमें अल्फा की वैल्यू को पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते। पॉइंट क्लियर हुआ जनरलाइज्ड फॉर्म का? अब आप देखें इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं इस लाइन के ऊपर वो सारे कैलकुलेट कर सकते हैं, इवन सी और बी जो कि हमें नजर आ रहे हैं, जो कि अलजेब्रिक वे में हमें पता चल चुके हैं कि एक बी पॉइंट है, बी तो नहीं कहना चाहिए, एक 0.2.5 ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, सेकंड 3.1 ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये तो हमें पता चल गए, ये नहीं पता था तो हमने वेटेड एवरेज से ये जनरलाइज्ड पॉइंट बना लिया। ये जनरलाइज्ड पॉइंट टेस्ट कर सकते हैं, उसमें ये सी और बी भी इससे निकाल के टेस्ट कर सकते हैं, वो भी निकलेगा। कैसे? आपको पता है ये जो सी पॉइंट पे अल्फा की क्या वैल्यू है बताइएगा? अगर मैं सी पॉइंट देखना चाहूं इसके ऊपर अल्फा की कोई वैल्यू पुट करनी है और हमें इस लाइन के ऊपर पॉइंट मिल जाने, तो सी के ऊपर अल्फा क्या है सर? जीरो है सर। जीरो, गुड, वेरी गुड। सी अभी तो आपने सारी के सारी आप ये लेंथ पड़ी हुई है, सी के ऊपर आपका अल्फा, अगर आप अल्फा जीरो पुट करें तो आपको सी पॉइंट मिलेगा। जरा देखिएगा, जीरो पुट करें इधर 3 और जीरो पुट इधर करें 1, वही पॉइंट मिल गया आपको, नोट करें। यस सर। आपके पास ऐसी जनरलाइज्ड, ऐसा जनरलाइज्ड पॉइंट आ गया कि बी और सी जो लाइन सेगमेंट है उसके तमाम पॉइंट सिर्फ अल्फा की वैल्यू पुट करोगे वो पॉइंट आ जाएगा। तो सी पे अल्फा जीरो था, मैंने अल्फा जीरो पुट किया, मुझे सी पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट पे अल्फा क्या है बी पे? 1 सर। 1, गुड। तो 1 पे देखते हैं, ये अल्फा इक्वल टू 1, 1 पुट करें 3 माइनस 3 अल्फा, 1 पुट करें 1.5 इनटू 1 प्लस 1, तो ये 2.5 और ये क्या बन जाएगा 3 माइनस 3 0, 0 का हुआ 2.5। अब देखिए आपके पास ये पॉइंट भी मिल गया। अब सिर्फ सिंप्लेक्स मेथड अलजेब्रिक वे में जो सिर्फ ये दो कॉर्नर पॉइंट्स लेता था, हमने जो जनरलाइज्ड पॉइंट बनाया वेटेड एवरेज मेथड से, वो सी और बी को भी वेरीफाई कर रहा है और वो उन तमाम पॉइंट्स को भी वेरीफाई करेगा, ये मिड पॉइंट भी कैलकुलेट करेगा। सिर्फ अल्फा की एक वैल्यू देनी है, तो मिड पॉइंट क्या होगा, अल्फा क्या होगा मिड पॉइंट पे? 1/2। 1/2, आप अल्फा अगर 1/2 लें इसके अंदर पुट करें, मैंने डायरेक्ट रिजल्ट ले लिया, वो भी आपको ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन थर्ड मिल गया, जबकि अलजेब्रिक वे में सिर्फ दो मिल रहे थे। अब आप अल्फा कौन कौन सी अल्फा लेके पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं? फोर्थ मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि मुझे 5 ऑप्टिमल सॉल्यूशंस चाहिए, 2 तो आपको मिल गए वैसे ही सिंप्लेक्स मेथड से अलजेब्रिक वे में टेबल के अंदर से, 3 और चाहिए, कैसे निकालें? 0 से लेकर 1 के दरमियान जितनी वैल्यू है तो वो पुट कोई करेंगे, भी वैल्यू कर लो, बिल्कुल वेरी गुड, कोई भी वैल्यू, आपने अल्फा इक्वल टू 0.9 थर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा, अल्फा आपकी अपनी चॉइस है, अल्फा इक्वल टू 0.35 फोर्थ सॉल्यूशन निकल गया। मैंने 5 अगर पूछे हैं, एक और देख लेते हैं, अल्फा इक्वल टू 0.75
और तो आप देखें ये जनरलाइज्ड पॉइंट, अब आप जितने भी इनफाइनाइट 1 बिलियन पॉइंट्स की देखना चाहो वो 1 बिलियन, ये सारे के सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ये भी ऑप्टिमल है, ये भी ऑप्टिमल है, ये भी ऑप्टिमल है, इन सब की जी क्या होगी? जेड, जी वैल्यू क्या होगी सर? वो कॉमन ही होगी, वो 10 ही है, क्यों? अल्टरनेटिव ऑप्टिमम में जी इंप्रूव नहीं करती, सॉल्यूशन एक सेपरेट मिल जाता है। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा, राइट? यस सर। अब थोड़ा सा, अब आपके पास जो दूसरे पॉइंट्स हैं, तो यू कैन कैलकुलेट ऑल ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाय यूजिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा, वेयर अल्फा लाइज बिटवीन 0 and 1, इंक्लूडिंग 0 and 1। एवरेज और वेटेड एवरेज का मैंने डिफरेंस बता दिया, एवरेज से सिर्फ मिड पॉइंट दे सकते थे, और वेटेड एवरेज से देखें कितनी आसानी से हमने, तो इसका मतलब है अगर आपको कोई भी, ये जो जनरलाइज फॉर्म है ये फिक्स नहीं है, ये सिर्फ इसी प्रॉब्लम की है, क्यों? इसी के कॉर्नर पॉइंट्स आपने यूज करके ये बनाई बी और सी, ये फॉर्म। अगर आपको कोई डिफरेंट क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें डिफरेंट आपको 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो उसको उसी तरह फ्रैक्शंस बना के सिंप्लीफाई करके जनरलाइज आपको फॉर्म बनानी होगी, फिर आगे आप वो सॉल्यूशंस के आंसर दे सकेंगे। तो ये जो जनरलाइज पॉइंट है ये सिर्फ पर्टिकुलर इसी प्रॉब्लम के लिए है। आपको मेथड बता दिया गया, इस वक्त पॉइंट था इस प्रॉब्लम का 0.25 और 3.1, तो आपके पास ये जनरलाइज पॉइंट है। अगर आपके पास कोई और प्रॉब्लम होगा तो जाहिर है उसका, उसके लाइन के एंड पॉइंट्स डिफरेंट होंगे, तो उसके जरिए उसी तरह आपने दोबारा से वो ये देखने, दोबारा से आपने करने, यानी आपके पास ये डिफरेंट पॉइंट्स होंगे जो भी उस प्रॉब्लम इधर लगाएंगे, और इसको सिंप्लीफाई करके एक और जनरलाइज पॉइंट अलग से बने। आई होप समझ आ गई होगी आपको। यस सर, आपको रिमाइंड करवाना था कि आपने मिड के बारे में बच्चों को बताना था, प्रीवियस क्लास में आप मुझे कहा था कि रिमाइंड करवाएं। हसीन मुश्ताक, यस सर, थैंक यू। चलिए बस एक मिनट और ले लेते, तो आपको लास्ट बात ये बतानी है कि अल्टरनेटिव ऑप्टिमम एडवांटेज है या डिसएडवांटेज। अल्टरनेटिव ऑप्टिमम एडवांटेज है, देखें आपकी प्रॉफिट 10 हो सकती है, वो 10 ही है, वो तो इंप्रूव नहीं हो सकती। अगर आपको 2 ऑप्शंस आ जाएं, 2 सॉल्यूशन, तो मैनेजमेंट को डिसाइड करने में ये आसानी होगी कि उनके लिए कौन सा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। वो जो प्रोडक्ट्स हैं, अभी आप बी पॉइंट देखें, बी पॉइंट था 0.25, मीन ये कह रहा है जो X1 प्रोडक्ट है उसको ना बनाए, वो 0 है, और जो दूसरी प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी है 2.5, एक तो ये सॉल्यूशन आया। दूसरा सॉल्यूशन आ रहा है कि 3.1, मीन फर्स्ट प्रोडक्ट को 3 क्वांटिटी उसकी रखें और सेकंड की 1 रखें। अब देखें एक चीज है कि आप एक सॉल्यूशन आपको मिल रहा है प्रोडक्ट ना बनाएं, और एक है 2 प्रोडक्ट बनाएं। 2 प्रोडक्ट बनाने में एडवांटेज है, आपने मार्केट में कम्पीट करना है दूसरी कंपनीज के साथ, तो 2 प्रोडक्ट आपकी मार्केट में जा रही है वो ज्यादा सूटेबल होगा। तो आपके पास ये कुछ, मैंने इधर रिमार्क्स उसके बारे में लिख दी है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपके लिए सूटेबल जो सॉल्यूशन है वो सी है, बी नहीं है। बी भी आप करें नो प्रॉब्लम, प्रॉफिट 10 मिलेगा आपको, लेकिन दूसरे सॉल्यूशन की जो ऑप्शन है वो ज्यादा सूटेबल है, दोनों प्रोडक्ट्स हैं, दोनों मैन्युफैक्चर होगी, मार्केट में लोगों की डिमांड भी पूरी होगी, लोगों को ज्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए होती है, तो आपका 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन, वो दोनों इनफाइनाइट थे, तो आपके लिए बेस्ट ये है कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो आपके पास इनफाइनाइट ऑप्शंस आ रही है उस प्रोडक्ट की, तो आप इसमें फर्ज करें 10 ऑप्शंस आप इस जनरलाइज पॉइंट से एक्सरसाइज करते हो, उनमें से मैनेजमेंट के पास ये पॉइंट है कि आप उनके लिए जो सूटेबल हो वो उस सॉल्यूशन को ऑप्ट करके मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिसाइड कर सकते हैं। तो आपके पास जो आप बेस्ट फील करते हो वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो ये एडवांटेज है एक तरह से आपका ऑल्टरनेट ऑप्टिमल। आई थिंक आज का लेक्चर आपने अंडरस्टैंड किया होगा।